अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका बायोकेमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर है मेरे साथ। हम पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कल हम पढ़ रहे थे, जो इसकी रह गई थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें से हाइड्रोजनेशन और हार्डनिंग हमने पढ़ी थी ऑयल्स की, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, और इसके रिजल्ट में ऑयल्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, जिसे रेंसिडिटी भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था कि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन अगर हो जाती है फैट या ऑयल की, तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। उसे होता है कि उसकी स्मेल भी ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये कल हम सारा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हमने रेंसिडिटी की डेफिनेशन देखी थी। आज हम देखेंगे वैक्सीज। वैक्सीज जो हैं ये भी सिंपल लिपिड्स में ही आती हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वैक्सीज आर सॉलिड सिंपल लिपिड्स कंटेनिंग अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक हो गया। यानी कि एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होगा अल्कोहल, ये अल्कोहल पाया जाता है वैक्सीज के अंदर, ठीक हो गया। विद अ हाई मॉलिक्यूलर वेट विद एन ग्लिसरॉल। अच्छा जी, वैक्सीज का जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट वो ग्लिसरॉल से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो इसमें अल्कोहल यूज़ हो रहा है, वैक्सीज जो हैं वो सिंपल लिपिड्स हैं, इनके अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। और ये अल्कोहल जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लिसरॉल से ज़्यादा है। एस्टरीफाइड टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई है पैलमिटोइल अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए और डी, ठीक है। ये वाले अल्कोहल्स की एग्जाम्पल दी है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। प्रॉपर्टीज़ क्या है वैक्सीज की? वैक्सीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट्स एंड आर नेगेटिव फॉर एक्रोलीन टेस्ट। एक्रोलीन टेस्ट आपको याद होगा, जिसके रिजल्ट में बैड ऑर्डर कंपाउंड बनता है एक्रोलीन, ठीक है। ये इसके लिए नेगेटिव है। अच्छा जी, वैक्सीज की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वैक्सीज आर नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज एज द फैट्स। जैसे फैट्स ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी वाटर से ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी, तो वैक्सीज जो है इनकी नहीं होती उससे ब्रेक डाउन, एंड आर इनडाइजेस्टिबल, ठीक है, डाइजेस्टिबल नहीं है बाय लाइपेजेस। लाइपेज एंजाइम जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है वो हमारी बॉडी से एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। एंड आर वेरी रेजिस्टेंट टू रेंसिडिटी, बहुत रेजिस्टेंट है रेंसिडिटी की, क्योंकि कोई और कंपाउंड है वो बाउंड ही नहीं करते अपने साथ, रेंसिडिटी ऑक्सीजन को बाउंड नहीं करेंगे। दस दे आर ऑफ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस ही नहीं है, इनडाइजेस्टिबल है, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़ीरो है, ठीक हो गया। पहले हम पढ़ रहे थे सिंपल लिपिड्स, तो अब हमारे पास आ जाते हैं जी कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक कंपाउंड, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को मिल के बनाया गया। इसकी डेफिनेशन आ जाती है दीज आर द लिपिड्स दैट कंटेन एडिशनल सब्सटेंसेस। अच्छा जी, एडिशनल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं कौन कौन से होते हैं? सल्फर, फॉस्फोरस, अमाइनो ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, बिसाइड फैटी एसिड एंड अल्कोहल। यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल तो पाया जाता ही है, इसके अलावा ये वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एडिशनल ग्रुप्स, ठीक है। इनको हम क्लासिफाई करते हैं फॉस्फोलिपिड्स में, यानी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ग्लाइकोलिपिड्स, इसमें ग्लाइको यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे लिपिड्स के साथ। लिपोप्रोटीन्स, इसमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स ऐड हैं। और ये है सल्फोलिपिड्स, यानी सल्फर ग्रुप अटैच है, एंड अमाइनोलिपिड्स। सबसे पहले आया था जी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स आर द फॉस्फोटाइड्स आर कंपाउंड्स, फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोटाइड्स जो हैं ये कंपाउंड लिपिड कहलाते हैं, विच कंटेन फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये पाए जाते हैं ऑल द सेल्स, प्लांट एंड एनिमल्स में, मिल्क एंड एग, योक में, इन द फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है आपने नहीं करना, इसको क्रॉस लगा लें मेरे से आप। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपाउंड लिपिड्स के अंदर ग्लाइकोलिपिड्स। दीज आर द लिपिड्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज विद स्फिंगोसिन एज द अल्कोहल। अच्छा जी, इसमें अल्कोहल की जगह पर स्फिंगोसिन पाया जाता है। ये स्फिंगोसिन अभी हमने स्टार्ट में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है। तो अच्छा जी, इसमें ये होता है कि लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं, एंड अ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। और इसका जो फैटी एसिड है वो बहुत लॉन्ग चेन है, 24 कार्बन की सीरीज है, इतना लंबा है ये, ठीक है, फैटी एसिड। अच्छा जी, दे आर प्रेजेंट इन द सेरिब्रल टिश्यू, यानी दिमाग के टिश्यू में पाए जाते हैं, देयरफॉर आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स। इसलिए हम ग्लाइकोलिपिड्स को सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। फिर आ जाते हैं जी लिपोप्रोटीन्स। इसकी डेफिनेशन, लिपोप्रोटीन है तो लिपिड्स कंबाइन विद द प्रोटीन्स इन द टिश्यूज। टिश्यूज में पाए जाते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स को मिला के बनते हैं। द लिपिड कंपोनेंट इज़ फॉस्फोलिपिड, जो लिपिड कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड।
कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। अच्छा जी, इसके आगे बताया हुआ है कि स्ट्रक्चरल लिपर प्रोटीन्स होते हैं जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, बींग प्रेजेंट इन द सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, लंग टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, और इसके अलावा आए मेरे जो रोडोप्सिन है वो लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंस होती है या जिस ये आपने सिर्फ एक दो से तीन कर लेनी है इम्पोर्टेंस इसकी। देयर फॉर्म्स, दीज आर फॉर्म्स प्रेजेंट इन द ब्लड सेल, ब्लड प्लाज्मा। अच्छा, फिर दूसरी टाइप्स के होते हैं ट्रांसपोर्ट लिपोप्रोटीन। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चरल और ट्रांसपोर्ट, ये तो आपने नहीं करनी। ठीक है, बस आपने इसकी इंपॉर्टेंस उठा लेनी है कि ये किधर से होते हैं, लिपिड मतलब कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक दो लाइन में, उसके अलावा आपने ये बाकी नहीं करना, इसकी कोई ये क्लासिफिकेशन नहीं करनी लिपोप्रोटीन्स की। फिर लिपोप्रोटीन्स का जो है वो आपने ये भी याद करना है कि इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी होते हैं, ये भी इनकी टाइप्स हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स का आपने बस इतना ही करना है। उसके अलावा ये आ जाता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल ये जो है ये अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।